तो गाइस हम लोग है अभी टॉप ऑफ अम्बोली और वाटरफॉल जस्ट पीछे से छूट गया है। और देखो गाइस अपनी बाइक का हालत बारिश की वजह से। सो ब्रदर व्हाट डू यू से अबाउट दिस राइड? ये राइड अमेजिंग है गाइस। तो गाइस जो भी बाइक लेके आते हैं, और थोड़े लोग तो बाइक लेके आने के लिए डरते भी है, पर हम लोगों ने तो ओला जिंदाबाद। और ये जो महाशय है वीके व्लॉग्स, इन्होंने तो हद ही पार कर दिए ऑलरेडी, हैदराबाद का राइड मार दिया है और एक हद पार करने वाले हैं। हम लोग कुछ नया लेके आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून गाइस, थोड़ा सबर रखो, आने वाला है कुछ जबरदस्त। मे बी एन इंटरनेशनल राइड आल्सो, मे बी अ इंटरनेशनल राइड ऑन ओला, पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। ले लद्दाख वॉट एवर, कमिंग सून, स्टे ट्यून गाइस। अभी फुल ऑन बारिश आ चुका है, तो अपने वड़ा पाव वाले अड्डे पे रुकते हैं, मस्त सा एक वड़ा पाव और चाय पीते हैं, फिर देखते हैं बारिश कैसा कम होता है, उस हिसाब से वापस निकलेंगे। सो गाइस फाइनली वी आर एट अम्बोली वाटरफॉल्स। आपको दिखा देता हूँ कि कैसा रहेगा ये वाटरफॉल। भाई क्या ह्यूज वाटरफॉल है देखो गाइस। और अभी तो बहुत ही भाव कम है, नहीं तो भाई नेक्स्ट लेवल का भाव रहता है। पानी मतलब यहाँ पर फुल भर के ओवर फुल हो जाता है। सो बारिश भी भाई देखो गाइस, बहुत ही गंदा बारिश है, बहुत ही गंदे से भीग चुके हैं हम लोग। क्या बोलती भैया? भाई क्या है, मस्त गरम गरम वड़ा पाव, वड़ा पाव मरा है, हाँ वड़ा पाव ही खत्म मरा है, क्या कर रहा है? अब भी बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था कि वड़ा पाव का। एक काम कर, दोन दोन वड़ा पाव आणि एक प्लेट भजी कर पहिले। सब बस बस है, बस ब्रेकफास्ट। तो अभी आपको वापस थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट अपना वाटरफॉल दिखाएंगे, उसके बाद चलते हैं आगे। तू किधर है? आणि कोण असा पुढे असताले राखा वय वय राखा दिल गे सर बाबा मजा। तो गाइस अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं अपने छोटे भाई लोग से। क्या आ गए हो? आ गए हो? सकल हो? वाव यार, क्या क्या मरे तू किधर भारत लो तो कैच हेलो सगळे गाईडा क्या बताए सो लेट्स गो गाइस, चलो बाय बाय अम्बोली घाट, सी यू इन सम डेज बैक। भाई बारिश में ऐसा प्लान है कि तीन चार बार तो आना ही है अम्बोली। सो चलिए सर जी, इधर देखो बहुत सारे बंदर है, बंदर बंदर भाई हाथ में दे दो। सो गाइस अभी ऐसा है कि 76 किलोमीटर्स की मेरी रेंज है, मेरा जो डिस्टेंस बैक है वो भी 76 किलोमीटर है, लेकिन अपने को अराउंड 7 किलोमीटर्स का डाउनहिल मिलता है नॉन स्टॉप। तो देखते हैं कि कैसा अपने को रेंज बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, कैसा है। सो गाइस करेंटली हमने अभी आपको दिखा देता हूँ, सुबह से मिला के 78 किलोमीटर्स हो चुका है और अभी वापस 76 किलोमीटर का रेंज है। सो लेट्स गो।
तो गाइस अभी हमने फुल मतलब अनरिजन ही डाला है बाइक, बिना रेस दिए पूरा मतलब पहाड़ उतार रही है, और अभी ऑलमोस्ट 2-3 किलोमीटर भी चल चुका है और फिर भी 76 किलोमीटर ही है। तो रीजन का ये फ़ायदा है कि उतार रहेगा तो आप मस्त छोड़ो उसको, आप उल्टा घुमाओगे तो और ज़्यादा रीजन हो जाएगा, बैटरी का परसेंटेज भी बढ़ेगा, लेकिन यही स्मूथ लेवल पर रखने का अपने को इतना भी इमरजेंसी नहीं है, जो है रेंज है उसी में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि अपना 3.8 किलोमीटर हो चुका है और अभी देखो 76% था, 77% हो चुका है ये देखो। तो आफ्टर मतलब 4 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर बढ़ता है, मतलब नॉर्मल रीजन पे, अभी मैंने रेस भी नहीं किया, पूरा घाट में उतर रहा हूँ बिना रेस के। तो अगर हम लोग उल्टा करते हैं इस अपने गियर बार, अगर हम लोग अपने एक्सेलरेशन बार को उल्टा करते हैं तो वो ज़्यादा रीजन होगा, जल्दी रीजन होगा, लेकिन स्मूथ रीजन ही सही है, मस्त क्रूज पे टाइप। तो गाइस हम लोग कुछ इस टाइप के डैम के पास है और बाइक्स वहाँ पर पार्क्ड है, और देख सकते हो यहाँ पर मिनी लेक जैसा बना हुआ है, ये मोस्टली बारिश के पानी के वजह से ही बना है, और जितना भी भर सकेगा ये बारिश में भरता है ऑलमोस्ट फुल, ले देखो यहाँ पर पूरा भर जाता है। तो समर सीजन्स में आपको पानी काम आता है, तो अभी भरना चालू हो गया है, सो देखते हैं कि कैसा व्यू होने वाला है और वन ऑफ द बेस्ट सीन आज के राइड का। तो गाइस अभी मेरी ओला थोड़ी एक 10 चक्का मैंने चार्ज किया है मेरे दोस्त के घर पे, तो ऐसा सीन है कि ओला का तो हाइपर स्टेशन नहीं है मापसा में, और गोवा में भी खाली एक है। तो गाइस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक अभी दिखा रहा है, क्योंकि अब भी तो नहीं दिखा रहा था, मैंने रिबूट किया बाइक को तो 3% बढ़ गया, 3 किलोमीटर बढ़ गया। तो अभी देखते हैं वापस कि कैसा पहुंचते हैं हम लोग। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घर पे, अभी चार्जिंग को लगाते हैं। अभी एक दिक्कत है कि अपना चार्जर अंदर है,